दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय सीओ अजय स्टो मनी गुरु आपसे मुखातिब होता हूं आज 12 अक्टूबर सन 2022। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मक्का और बाजरा ग्रेन्स, मोटे अनाज के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले खबर निकल के आती है बाजरे की। बाजरे से खबर निकल के आ रही है कि बाजरा के जो उत्पादक राज्य हैं वहाँ पर पिछले 5-7 दिनों से मौसम खराब हो रहा है और इसमें मंडियों की अराइवल यानी आवक में कुछ कमी नज़र आ रही है। और जो कि बाजरा पहले गिरावट में था और 1750 रुपये का जो भाव राजस्थान की मंडियों के अंदर बताया जा रहा था वहाँ पर कुछ तेज़ी दर्ज हुई है और लगभग 80 से 100 रुपये इसमें तेज़ बताए जा रहे हैं। और दूसरे यूपी के बाजरे की फसल भी बहुत बढ़िया है और वहाँ पर मौसम भी ठीक है। इसके बावजूद स्टॉक के लिए बहुत अधिक मात्रा में बाजरे का स्टॉक करना थोड़ा सा खतरा हो सकता है। बाजरे के अंदर आने वाले 1 से 1.5 महीने में कुछ गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं। अब बात करेंगे मक्का के बारे में। मक्का के की फसल भी बाज़ारों में आने लगी है और लेकिन कुछ मौसम की खराबी की वजह से कुछ अराइवल थोड़ी सी ढीली पड़ रही है, जिसके कारण बाज़ारों में मामूली सी तेज़ी 25-50 रुपए की तेज़ हो सकती है। लेकिन ऊंचे भाव में पोल्ट्री उद्योग की मांग बिल्कुल कम पड़ गई है, क्योंकि पोल्ट्री उद्योग वाले की तेज़ दाम होने पर अपनी मांग कम कर देते हैं। हरियाणा पंजाब में 2400 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव बोलने लगे थे और उसके भाव 2370 रुपये रह गए हैं, लेकिन इन भावों में कोई खास खरीदारी नहीं बताई जा रही है। और विशेषकर जो राजपुरा फगवाड़ा के लिए जो व्यापार सुना गया था वहाँ पर भी अब मक्की के अंदर आने वाले कुछ समय में दाम कमज़ोर बताए जा रहे हैं और इसके अंदर आने वाले 1.5 से 2 महीने में मक्का के अंदर अच्छी फसल के वजह से बड़ा रिस्क लेना उचित नहीं बताया जाता है। तो दोस्तों ये था मक्का और बाजरे पर आज का विश्लेषण। दोस्तों गेहूँ मक्का बाजरे के अंदर आगे क्या संभावनाएं बनती है उसके ऊपर भी आप विशेष चर्चा कर सकते हैं पेड रिपोर्ट के लिए। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों नमस्कार, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमय विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई, लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है और हम लगातार इसका लाइव एग्जांपल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट, इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।